लाडो पूछा है मन्ने तू तेरा रंग काला तेरा रंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वापस से नए वीडियो में स्वागत है। आज का इस वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे जो मार्केट में लॉन्च करा और बहुत सारे चर्चा हो रहे कि बहुत महंगे वाले फोन बहुत सस्ता में मिल रहा है, या आप कह ले कि बहुत महंगे वाले स्मार्टफोन का फीचर्स बहुत सस्ते वाले स्मार्टफोन में मिल रहा है, ऐसा लोगों के बीच में कहना। मार्केट में इसके बारे में बहुत ज्यादा रूमर भी फैल रहा है। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे क्या इसकी पॉजिटिव पॉइंट है और इसका क्या नेगेटिव पॉइंट है, और लास्ट में कंक्लूजन भी बताएंगे क्या इस फोन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और हाँ, चैनल नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जाकर कॉल कर दीजिएगा ताकि सारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले, और हाँ, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो में फटाफट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये वाले स्मार्टफोन का। मार्केट के ऊपर में 21,000 के आसपास में दाम है, जो कि आपके डिस्काउंट आपको 19,999 रुपए में मिल जाएगा। कैसे वो भी वीडियो का लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले बता दूं, ये स्मार्टफोन लगभग एक ऐसा स्मार्टफोन है जो कि मार्केट के अंदर 40,000 के आसपास में आ रहे हैं। वीवो V29 प्रो उसके जैसा सेम टू सेम दिखने में दिखता है, बट फीचर्स में बहुत सारे चेंजेस है, बहुत सारे कमियां हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले यहां पर जानते हैं कि क्या पॉजिटिव पॉइंट है एंड ये वीवो V29 प्रो के जैसा क्यों दिखता है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले इसके पॉजिटिव पॉइंट जानते हैं। सबसे पहले तो बात करें, इस वाले स्मार्टफोन में डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एमोल्ड स्क्रीन के साथ ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। साथ ही बताऊं, कैम क्वालिटी भी बहुत बढ़िया मिल जाएगा आपको, क्योंकि इसके कैमरे में जो सेंसर लगा हुआ है वो आपको सैमसंग का सेंसर है, जिससे और भी बेहतर हो जाता है। साथ ही कैम क्वालिटी को और बेहतर बनाने के लिए इसमें एक नया चीज मिल रहा है, ओरा लाइट, जिससे कैमरा का क्वालिटी और बेहतर हो जाएगा। साथ ही बता दूं, वीवो V29 प्रो में भी आपको ओरा लाइट बैक साइड में आपको देखने को मिल रहा था, सेम टू सेम आपको यहां पर मिल रहा है, जो कि प्राइस भी कम प्राइस में आपको यहां पर इस वाले स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जा रहा है। साथ ही बता दूं, इसमें 5G ये स्मार्टफोन है, 5G में आपको अच्छी है 7 बैंड आपको यहां पर मिल जाएगा। साथ ही बता दूं, यहां पर से कैमरे में आपको OIS मोड मिल जा रहा है एंड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 यहां पर देखने को मिल रहा है 6 NM LPDDR4X के साथ ये वाले स्मार्टफोन। बट अब मेन पॉइंट आते हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं इस स्मार्टफोन में जो नेगेटिव पॉइंट है, जिसके कॉइंस बोल सकते हैं या फिर डिसएडवांटेज पॉइंट है, जिसको आपको देखकर ही इस स्मार्टफोन को परचेज करना चाहिए। सबसे पहले तो बात करते हैं इसमें क्या मिसिंग है। इसमें आपको सबसे पहला चीज तो कैमरे में आपको अल्ट्रा लेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, जिससे आप अल्ट्रा वाइड जो फोटो या वीडियोस कैप्चर करते थे वो यहां पर से नहीं कर पाएंगे। साथ ही बता दूं, स्पीकर में यहां पर सिंगल स्पीकर आपको देखने को मिल जाएगा, एंड रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहां पर 1080p एंड 30fps ही रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, जो कि डिसअपॉइंटेड है हमारे और आपके लिए, या जो फोन परचेज करेंगे उनके लिए भी। जैसे आप यूट्यूब वीडियोस वगैरह बनाना चाहते हैं या फिर अच्छे लेवल का वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, उसको रिकॉर्ड करके फिर दूसरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर एडिट करना चाहते हैं, थोड़ी सी दिक्कत वाली। और हाँ, ये स्मार्टफोन कंप्लीट वाटरप्रूफ नहीं है। तो दोस्तों बता दूं, इस स्मार्टफोन के बारे में बहुत सारे ऐसे जो मैं कमियां बताया वो सारे 99 बाकी 20,000 से 21,000 के रेंज में सारा ये फीचर्स मिल जाते हैं, जबकि यहाँ पर नहीं मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ये फोन परचेज करना चाहेंगे, या फिर उन लोग इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हैं जो लोग चाहते हैं कि मैट फिनिश के साथ एजी ग्लास बैक साइड हो और अच्छी लुक दिखे, तो इसको आप जरूर परचेज कर सकते हैं। बैक साइड आपको ओरा लाइट एंड OIS सेंसर इसको और भी बेहतर बनाती है इस स्मार्टफोन में, और परफॉर्मेंस के लेकर यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 मिलता है, जो कि इस फोन को और ज्यादा लुभाती है लोगों के बीच में। तो ये थे स्मार्टफोन वीवो के Y200 5G जो मार्केट में आ रहे हैं 21,999 रुपए। और हाँ, आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है HDFC का तो 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही बता दूं आपको, ये वीवो V29 प्रो के जैसा बैक साइड में लुक की वजह से दिखता है ये स्मार्टफोन। और ये वीडियोस के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद दोस्तों।